मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, तो पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे बेटा, किरचॉफ्स के नियम को, है ना, याद है आपको किरचॉफ्स के नियम। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले बेटा सेलों का संयोजन, क्या अध्ययन करने वाले बेटा, सेलों का संयोजन। ठीक है, तो देखो किरचॉफ्स लॉ में भी हम सेलों, बहुत सारे सेल को सॉल्व करते थे, लेकिन बेटा वो बहुत टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा समय लेता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, सेलों का संयोजन, है ना। तो आपको जज करना आना चाहिए कि सेलों के संयोजन से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो सेलों के संयोजन से बनाएंगे बेटा। अगर आपको लगता है कि सेलों के संयोजन में नहीं फिट हो रहा है, तब आप किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करेंगे, तब क्या करेंगे बेटा, किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे। क्लियर, ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लियर, ये देखिए, तो आज अपन अध्ययन कर रहे हैं बेटा सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। ठीक है बेटा, ये देखिए, तो सेलों के संयोजन में हम लोग सबसे पहला, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सबसे पहला स्टडी करेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या करेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, ये देखिए। ठीक है बेटा, तो श्रेणी क्रम संयोजन पहला स्टडी करते बेटा। तो श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग पहला जब सॉल्व करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, तो हम पहला सेल ले रहे हैं, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट सेल है, और ये फर्स्ट सेल का ईएमएफ कितना लिया बेटा, E1। इस पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1। ठीक है बेटा, ये पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हुआ, R1। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान। अब ये जो पहले सेल का जो ईएमएफ है, इसका जो निगेटिव टर्मिनल, प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, इसके निगेटिव को हम दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं बेटा, और इसका ईएमएफ कितना मान है, E2। इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, ये आपको ध्यान है। ठीक है बेटा, ये है। तो अगर हम दो सेल लिए हैं E1 और E2, इनका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2, और दोनों सेल को कैसे जोड़े बेटा, पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है बेटा, ये आपको ध्यान है। तो पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, यानी दोनों ही सेल की जो समान वोल्टेज टर्मिनल है, यानी कि धन धन एक साइड बेटा, और रीड रीड टर्मिनल एक साइड। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो अब हमको इसमें हमको निकालना है बेटा कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि तुल विद्युत वाहक बल और तुल आंतरिक प्रतिरोध का आंकलन। क्लियर, ये देखिए बेटा, तो हम इस पूरे को रिप्लेस करके इसका एक सेल एज्यूम कर रहे हैं बेटा, सिंगल सेल, और ये जो सिंगल सेल है इस सेल का इक्विवेलेंट, यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल कितना है, EQ, है ना, और इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, इसका तुल्य इक्विवेलेंट और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। क्लियर। अब ये तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आता है, ये हमको ज्ञात करना है, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, इसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो सेल है E1, इससे हम धारा ले रहे बेटा I1, ये धारा I ले लेते, चलिए धारा I। अब ये धारा क्या होगा बेटा, वो सर्किट से होते हुए गुजरते हुए, है ना, सर्किट जुड़ा हो, उस सर्किट से गुजरते हुए वापस आएगा बेटा यहां, धारा I, ये देखो, और यहां भी धारा कितना बहेगा बेटा I, यहां भी धारा कितना बहेगा I, ये आपको धारा। ठीक है बेटा, क्लियर है, आपको पता है ना बेटा, इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं बेटा यहाँ के A, और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं B। क्लियर, हमेशा आपको याद होगा बेटा, बोलते थे कैसे, जितने सेल से हम धारा लेते हैं उतने सेल में वापस धारा आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और आपको पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा क्या रहता है बेटा, समान, ये आपको ध्यान रखना। अब इसको हल करेंगे कैसे, तो हम एक पाथ ले लेते बेटा, ये जो हमारा पाथ है वो हम कौन से डायरेक्शन में ले रहे हैं, A से B, याद होगा बेटा। ठीक, ये
तो पाथ ए से बी ले रहे बेटा, अब हम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ए का विभव कितना सपोज करेंगे बेटा, वी ए, ये देखिए है ना। अब हम कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसके विद्युत वाहक बल को, माइनस ई वन। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना ना, पुराने शेयर में आपको डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको समझने के लिए मैं यहां बता देता हूं बेटा अलग से। ठीक, ये तो जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो ये जो इस शेयर का जो विद्युत वाहक बल होगा, यानी कि जो ईएमएफ होगा, वो क्या होगा बेटा, निगेटिव। मान लो अगर इसका विद्युत वाहक बल कितना बेटा, ई, तो माइनस ई लिखेंगे, ये आपकी धारा है ना बेटा। ये प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ये प्रतिरोध है और ये धारा है। अगर हम धारा की दिशा में ही चलते हैं बेटा, तब यहां पर क्या लिखते हैं, हाई पोटेंशियल स्लो पोटेंशियल, तब इसके सिरे पर हम विभवांतर क्या लिखते हैं, माइनस, क्या लिखते हैं बेटा, माइनस आई इंटू आर, ये आपको ध्यान, हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे, लो पोटेंशियल, इसलिए माइनस लिखते हैं बेटा। और यहां पर देखो क्या जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्योंकि हमेशा जानते हैं बेटा धारा कहां बहता, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है ना, अधिक विभव से कम विभव जा रहा है, तो माइनस लिखेंगे बेटा। यहां क्या लो से हाई जा रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, प्लस आई इंटू आर वन। क्लियर बेटा, यहां देखिए हाई से लो जा रहे हैं बेटा, इसका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, माइनस ई टू है ना। यहां पर क्या होगा, देखो लो से हाई जा रहे हैं तो प्लस आई इंटू आर टू, और लास्ट पॉइंट को क्या लिख देंगे बेटा, वी बी, ये आपको ध्यान। ठीक है, ये हमने मार लिया था बेटा, तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा ई वन प्लस ई टू। ठीक है बेटा, अब ये दोनों उस साइड जाकर क्या जाएगा, माइनस माइनस ले लेते हैं और आई को कॉमन निकाले, तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। अब वी वन माइनस वी टू है ना बेटा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, और इसको हमने क्या ज़ूम कर लिया है, एक सिंगल सेल है ना, इसका तुल्य परिपथ बना लिया बेटा ए टू बी, ये है। ठीक है, तो जब हम ए और बी के बीच का जो विभवांतर है, जब हम एक सेल एज्यूम करते हैं और सेल से जब हम धारा लेते हैं बेटा, सेल से क्या लेते हैं धारा, तो हम सेल के सिरे पर जो विभवांतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और इसका टर्मिनल वोल्टेज हम मान लेते हैं बेटा वी, क्या मान लेते हैं, ये टर्मिनल वोल्टेज वी मान रहे हैं। क्लियर, ये देखो तो ये आ जाएगा बेटा ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण नंबर एक। अब इस समीकरण को हम तुलना करेंगे इस इक्विवेलेंट वाले सर्किट से, है ना बेटा। तो क्या जाएगा, देखो विभवांतर वी बराबर ई माइनस, जब भी हम शेष धारा लेते ई माइनस आई इंटू आर, और ये जो ई है वो क्या बेटा, इक्विवेलेंट। यहां जो आंतरिक प्रतिरोध है वो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होगा, ई इक्विवेलेंट है ना, यहाँ ई इक्विवेलेंट बोले, यहाँ आर इक्विवेलेंट। अब हम इस समीकरण एक व दो से हम क्या कर देंगे, तुलना, ये देखो बेटा, तो समीकरण एक व दो से है ना बेटा, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा बेटा ई वन प्लस ई टू है ना, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, यानी तुल्य विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बराबर होगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा, दो सेलों के लिए है ना। तो इस ई वन का मान आ गया बेटा, इस ई वन का मान आया ई वन प्लस ई टू है ना, और आर इक्विवेलेंट का मान आया बेटा आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर बेटा। ये देखिए, अब अगर मान लो यही हमारा जो सेल है, दो सेल के जगह में है ना बेटा, दो से ज्यादा सेल होंगे तो कैसे हल करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। ये देखिए बेटा, ठीक है, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में
संयोजन में, यदि श्रेणी के अनुसंयोजन में एन सेल जुड़े हो जिनका यानी जिनका है ना बेटा एन सेल जुड़े हो तथा ऐसा लिख रहे हैं तथा प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्रमशः E1, E2, बेसिस EN एवं उनके आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 बेसिस RN है ना बेटा RN तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो क्या बोल रहे हैं बेटा। अब हमारे पास N सेल है ना, ये पहला सेल है और इस पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना बेटा E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना बेटा R1। अब इस पहले सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया बेटा, याद रखना है ना ठीक। यानी सभी सेल का जो समान धनात्मक टर्मिनल वो एक साइड रखेंगे और सभी सेल का ऋणात्मक दूसरे साइड इसी तरीके से जोड़ा गया बेटा। ये E2 इसका आंतरिक प्रतिरोध R3 E3 R3 है ना। अब बेस कर देते हैं बेटा, कब तक जोड़ना है ऐसा, जब तक N सेल ना जुड़ जाए। ये देखिए N सेल हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध है RN ठीक। और इस पूरे सिस्टम को किससे जोड़ दिया गया बेटा, बाह्य प्रतिरोध से तभी जोड़ते बेटा जब हमको धारा लेना रहता है, क्लियर। तो सभी सेल मिलकर क्या करेंगे बेटा, इसको धारा देंगे है ना, ये धारा देंगे राइट। इस तरीके से यहां पर धारा प्रवाहित होगी, क्लियर। ये देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था बेटा, दो सेल को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जब दो सेल को जोड़ते हैं बेटा तो ई इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आता था, E1 + E2। अब यहां कितने बेटा एन सेल है तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आएगा बेटा, इसका तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा इक्विवेलेंट है ना, और ये क्या कहलाएगा बेटा, आर इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा आपका बाह्य परिपथ और इस परिपथ को बोलेंगे बेटा हम लोग इसका तुल्य परिपथ। क्या बोलेंगे बेटा, तुल्य परिपथ। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा इस सिस्टम का, दो के लिए E1 + E2 होते थे, एन के लिए डेस EN ऐसा हो जाएगा बेटा है ना। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 + R2 सभी सीरीज में जुड़ा बेटा, सभी का सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये RN हो जाएगा, क्लियर। ये आपको ध्यान, और इस प्रतुल्य परिपथ में अगर आपको धारा पूछे है ना बेटा, बाह्य परिपथ में अगर धारा तो बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा तो धारा बराबर क्या लिखेंगे बेटा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो देखो बेटा कुल विद्युत वाहक बल कितना है ना, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कितना देख लीजिए, E1 + E2 + EN। कुल प्रतिरोध कितना बेटा, ये बाह्य प्रतिरोध प्लस R1 + R2 + R3 + RN
ये आ गया बेटा, ये तब का सिचुएशन था बेटा, ये कब का सिचुएशन था बेटा, जब हम श्रेणी क्रम एन सेल लिए थे और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल था बेटा वो क्या था, अलग अलग था, E1, E2, E3, EN था, एवं उनके आंतरिक प्रतिरोध कितना था, R1, R2, R3, तब का कंडीशन का, ठीक है, यह आपको ध्यान। अब इसी में अगर हम देखते बेटा कि हम क्या मान लेते हैं कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में N सेल जुड़े हो तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है ना बेटा, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान, अपन मान लेते हैं यदि तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E एवं उनके आंतरिक प्रतिरोध है ना बेटा एवं ऐसा लिखते है ना E एवं उनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो स्मॉल आर तथा है ना बेटा तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो ये देखिए। अब हम क्या ले रहे हैं बेटा नया कंडीशन में, ध्यान रखिएगा ना, ये देखिए नया कंडीशन क्या ले रहे हैं, यदि एन श्रेणी क्रम संयोजन में हो है ना बेटा, यदि श्रेणी क्रम संयोजन में एन सेल जुड़े हो, कितने सेल जुड़ा बेटा एन सेल, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना बेटा ई, यानी हमको एन सेल तो जोड़ना है और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना होगा बेटा ई, यानी पहले सेल का विद्युत वाहक बल ई होगा, दूसरे सेल का आंतरिक पहले प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध आर होगा, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल भी ई होगा, उसका भी आंतरिक प्रतिरोध आर होगा बेटा, तीसरे सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल ई होगा और तीसरे का आंतरिक प्रतिरोध भी आर होगा, बेस्ड इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे, तब तक जोड़ेंगे बेटा तब तक ये पूरा कितना ना जुड़ जाए, एन सेल ना हो जाए, ठीक है बेटा। और कैसे जोड़ा बेटा, पहले सेल का निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव, दूसरे सेल के निगेटिव को तीसरे सेल के पॉजिटिव, इस तरीके से जोड़ते गए श्रेणी क्रम में, क्लियर बोला, श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर ये, और ये बाह्य प्रतिरोध है। अब इसमें धारा बहेगी बेटा, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये है इसका तुल्य परिपथ बनेगा बेटा, इस E इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, देखो बेटा E इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा, देखो E इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आपको याद है ना बेटा, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या आता था, जुड़ जाता था E प्लस E प्लस E है ना, प्लस डेस डेस N पदों तक, N पदों तक, तब तक करते रहेंगे बेटा ऐसा जब तक N सेल ना मिल जाए, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो टोटल कितना होगा बेटा N into E। इसी प्रकार हमको क्या दिया बेटा, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, R R है, तो देखो है ना, तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 RN, अब ये सब का मान क्या सेम है, तो ये सेम हो जाएगा बेटा, ये तब तक होते रहेगा N पदों तक है ना, कब तक जोड़ेंगे बेटा ऐसा N पदों तक, तो R इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा बेटा N into R, तो ये R इक्विवेलेंट मिल गया बेटा इतना होगा एन आर, और E इक्विवेलेंट मिल गया बेटा N into E, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N into E और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिखेंगे N into R, ऐसा ये बाह्य प्रतिरोध है जिसमें धारा ले रहे I है ना बेटा, ये तुल्य परिपथ बन गया इसका पूरे का, तो बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर क्या लिखे कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, अब कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा बेटा N into E, देखो कुल है ना प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया बेटा N R, N into R ये आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका N into R ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तब का कंडीशन है बेटा जब श्रेणी क्रम में एन सेल हो और सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो बेटा ई है ना, और तथा उनका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो आर, यानी विद्युत वाहक बल भी समान है और आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, तब उस कंडीशन में बाह्य प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर होगा, ठीक है बेटा, ओके बेटा। चलिए अब इसी श्रेणी क्रम में बेटा
देखिए क्या होता है ना, मिटा दो। चलिए अभी हमने जितने भी श्रेणी क्रम में देखे थे बेटा और जितने भी हमने सेल जोड़ा था, इस प्रकार जोड़े थे कि एक सेल का निगेटिव दूसरे सेल के किससे जुड़ा रहा है बेटा, पॉजिटिव से, है ना। ये आपको ध्यान, यानी समान समान टर्मिनल एक साइड था बेटा और विजाती टर्मिनल क्या था, दूसरे साइड था। यानी सभी सेल का पॉजिटिव एक साइड रखे थे और सभी सेल के निगेटिव को एक साइड रखे थे। क्लियर बेटा। अब इसी में श्रेणी क्रम में आता है बेटा विपरीत क्रम संयोजन। क्या आता है बेटा, विपरीत क्रम संयोजन, विपरीत क्रम संयोजन। ठीक है बेटा, तो विपरीत क्रम संयोजन श्रेणी क्रम में ही क्या आता है बेटा, विपरीत क्रम संयोजन। कब कहेंगे बेटा विपरीत क्रम संयोजन श्रेणी क्रम का, जब जैसे मान लेते ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है बेटा R1। ठीक है। अब हम अगर यदि इसे दूसरे सेल के इसके निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, विपरीत क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं बेटा, विपरीत क्रम संयोजन। अब इस विपरीत क्रम संयोजन का हमको क्या निकालना है बेटा, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना है बेटा। यह पूरा ठीक है। अब यहां पर तुल्य जब विद्युत वाहक बल निकालेंगे बेटा, तो ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों सेलों में से कौन सा सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना बेटा, ये आपको देखना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं कि इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, E1 का विद्युत वाहक बल ज्यादा है E2 से, ये मैं माना हूं बेटा, याद रखना ना, कोई जरूरी नहीं है, ये भी ज्यादा हो सकता है, ये भी ज्यादा हो सकता है ना बेटा। ये तो जो नया इक्विवेलेंट बनेगा बेटा, इसका सर्किट डायग्राम, जो नया इक्विवेलेंट क्या बनेगा बेटा, नया इक्विवेलेंट सर्किट, मान लो इस पॉइंट को बी मान लेते, इस पॉइंट को ए, तो ये जो नया इक्विवेलेंट बनेगा बेटा, जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होता है ना, वो उसी प्रकृति का इक्विवेलेंट मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा बेटा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इसी नेचर का होगा, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है। आंतरिक प्रतिरोध तो ध्यान से देख ही रहे बेटा कि आपस में कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, आर इक्विवेलेंट मान लेते, इसका मान निकालेंगे, है ना बेटा, ये है। ठीक, अब इसका मान निकालना बेटा हमको, तुल्य इक्विवेलेंट कितना होगा, यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो फिर से बेटा वैसी किरचॉफ लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं और उसका मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ठीक है बेटा, तो मैं इससे से धारा कितना ले रहा हूं बेटा I। अब ये सर्किट से होते होते गुजरते हुए जाएगा बेटा, यहां भी धारा कितना आएगा आई, यहां भी धारा आई आएगा, यहां भी धारा आई आएगा। क्लियर बेटा, आपको पता है ये श्रेणी क्रम में ही है, बस सेल को कैसे जोड़े बेटा, विपरीत क्रम, यानी पहले सेल का जो निगेटिव टर्मिनल था उसको हम लोग ने दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, यानी माइनस माइनस जुड़े बेटा या प्लस प्लस जुड़े। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम का विपरीत क्रम संयोजन, है ना बेटा, क्या कहलाता है, विपरीत क्रम संयोजन। क्लियर, ये है। तो आपको पता है बेटा जितनी सेल से धारा लेते हैं उतनी सेल में वापस आता है, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है बेटा, सेम। ठीक है, अब इसको फिर से हम इसके लिए पाथ निर्माण कर लेते हैं बेटा, हम ए पाथ मान लेते हैं, ए से बी चलना चाहते हैं, ये हमने एक पाथ डिसाइड कर लिया बेटा ए से बी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और आपको याद होगा बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, वोल्टेज का नियम भी बोलते हैं बेटा, लूप का नियम भी बोलते हैं बेटा, है ना। या तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से, तो ये देखो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना लिखेंगे, वी ए, कैसे जा रहे हैं बेटा, हाई पोटेंशियल स्लो पोटेंशियल, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, माइनस। धारा में कैसे जा रहे बेटा, विपरीत, तो यहां पर जो विभवांतर मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, प्लस, क्या मिलेगा बेटा, प्लस आई इंटू आर वन, यानी कि लो पोटेंशियल से क्या जा रहा है बेटा, हाई पोटेंशियल। यहां देखो बेटा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, प्लस। यहां भी लो से हाई जा रहे हैं बेटा, ये भी प्लस आई इंटू आर टू, और लास्ट पॉइंट पर क्या लिख देते हैं बेटा, वी बी, साइड चेंज करा लीजिए बेटा, तो वी ए माइनस वी बी,
इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वन माइनस ई टू माइनस, इसको पूरे में एक साथ रख लीजिए बेटा, माइनस है ना आई कॉमन ले लेते बेटा, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू देख लीजिए। ठीक, आपको पता बेटा इन दोनों बीच का जो विभवांतर है हम उसे क्या मान लेते हैं, वी, यही हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज। जब हम सेल से धारा लेते हैं तो सेल के सिरों पर जो विभवांतर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। तो ई वन माइनस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू, ये हमारा समीकरण नंबर एक आ गया बेटा। इसकी हम तुलना कर देंगे बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जब भी हम सेल से धारा लेते हैं तो उसका विभवांतर कितना आता है बेटा, वी बराबर ई माइनस आई इंटू आर, यहां जो ई होगा ये इक्विवेलेंट होगा बेटा और ये आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। ये देखिए अब हम इसको तुलना कर देंगे बेटा, तो जैसे हम समीकरण एक व दो को तुलना करते हैं, समीकरण एक व दो से क्या लिखेंगे बेटा, इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा ई वन माइनस ई टू, और आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू, ये आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो देखो यहां जब हम विपरीत क्रम में जोड़ते हैं ना बेटा तो उनके सेल का विद्युत वाहक बल क्या रहता है, माइनस, लेकिन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अभी भी क्या रहता है बेटा, जुड़ा रहता है, क्योंकि आपस में कैसे रहते हैं, श्रेणी क्रम में रहते हैं। तो ई इक्विवेलेंट कितना मिल गया बेटा इसका, ई वन माइनस ई टू, हमेशा याद रखना बेटा जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा उसी प्रकृति का ये क्या होगा, टर्मिनल बनाएंगे। तो देखो किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा था, ई का, ई वन का, तो ई वन के हिसाब से ही बनेगा ये, इसी प्रकृति का ही टर्मिनल आपको बनाना पड़ेगा। और आर इक्विवेलेंट कितना मिला बेटा, आर वन प्लस आर टू, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका तुल्य परिपथ, क्लियर, ठीक है बेटा, गुड। चलिए बेटा अब इसी में हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसी में एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, क्लियर। चलिए ये देखिए बेटा है ना, तो एक छोटा सा हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमको क्या दिया, एक सेल दिया बेटा जिसका विद्युत वाहक बल कितना, 6 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध दे दिया आपको 2 ओम है ना बेटा। एक और सेल ले लेते हैं, इसका विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध है बेटा 3 ओम है ना। एक और सेल ले लेते हैं बेटा, ले चलिए इसका विपरीत क्रम जोड़ देते थे, माइनस लेते प्लस, इसका विद्युत वाहक बल कितना दिया बेटा 4 वोल्ट, कुछ भी ले ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया अपने को, मान लेते 2 ओम। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा बेटा इसका है ना, इस निकाय की, इस निकाय की क्या पूछेगा बेटा, तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य विद्युत वाहक बल यानी कि इक्विवेलेंट तथा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी कि आर इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, तो कैसे हल करेंगे देखिए बेटा सॉल्व है ना, तो इक्विवेलेंट आपको पता है बेटा ये दोनों कैसे जुड़े हैं, माइनस से प्लस यानी कि इनका विद्युत वाहक बल क्या जाएगा, जुड़ जाएगा 6 प्लस 10। ये इसके साथ कैसे जुड़ा बेटा, विपरीत क्रम में है ना, प्लस माइनस माइनस जुड़ गया, तो ये इसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल घट जाएगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 वोल्ट, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। अब आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट देखो तीनों क्या बेटा सीरीज में है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो कितना होगा 2 प्लस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा बेटा 7 ओम इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्लियर, ये है बेटा। तो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा जो 99% बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अभी हमने इसको सॉल्व कर दिया बेटा, अभी इसको थोड़ा ज्यादा डिस्कस नहीं कर दिया है ना,
ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन पहले कर लेते फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए। जैसे मान लो इसी में हमको ऐसा भी दे सकते क्वेश्चन, क्या दे सकता बेटा, ये देखो है ना बेटा, ये क्या देगा हमको एक अच्छा क्वेश्चन, ये देखो। तो मान लेते श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में, ये देखो श्रेणी क्रम संयोजन में एन सेल, एन सेल जुड़े हैं, जुड़े हैं जिनका प्रत्येक का, जिनका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है ना बेटा, है ना, श्रेणी क्रम में एन सेल जुड़े हैं जिनका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है ना बेटा, स्मॉल आर है, एवं बाह्य प्रतिरोध, एवं बाह्य प्रतिरोध, एवं बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, कैपिटल आर है ना, आंतरिक प्रतिरोध कितना स्मॉल आर एवं बाह्य प्रतिरोध है, नहीं लिखते बेटा यहां लिख देते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो बाह्य प्रतिरोध कितना बेटा कैपिटल आर। ठीक, यदि यदि है ना बेटा, यदि एम सेल, एम सेल है ना, एम सेल विपरीत क्रम में जुड़े हैं, एम सेल विपरीत क्रम में जुड़े हैं तो बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन सभी अच्छे बुकों में दिया जाता है बेटा, है ना, ये बहुत कंफ्यूजन भी रहता है लोगों को, इसलिए भी बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत हर अच्छे बुक में आपको मिल जाएंगे बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर, बस बेटा इसमें एक ही चीज है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, पहली बार आप जब बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में खासियत है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज साइलेंट है, क्या है देखिए बेटा, श्रेणी क्रम में एन सेल जुड़े हैं जिनका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है एवं बाह्य प्रतिरोध कितना बेटा कैपिटल आर है। यदि एम सेल विपरीत क्रम में जुड़े हैं तो यहां पर आपको ध्यान रखना बेटा, वास्तव में जो एन सेल जो विपरीत क्रम में जुड़े हैं है ना, वो एम अलग से कोई सेल नहीं बेटा, एन में से ही एम सेल है ना, एम में, एन में से ही एम सेल विपरीत क्रम में जुड़े हैं। जैसे मान लो अगर आपने मान लो 15 सेल आपने लाया और इस 15 सेल को आप क्या करना चाह रहे थे, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाह रहे थे, और उस 15 में से ही दो सेल आपने क्या कर दिया बेटा विपरीत क्रम में जोड़ दिया, 15 को जोड़ना है सबको श्रेणी क्रम में, लेकिन उनमें से जो दो सेल है वो कैसे जुड़ गया बेटा विपरीत क्रम में जुड़ गया है ना, तो एम कोई नया नंबर नहीं है बेटा, एन में से ही एम है, ये आपको है, यानी ये दो है अलग से नहीं, यानी 15 दो 17 सेल नहीं बोल देना टोटल, ये 15 में से ही दो सेल है, यानी इस दो को भी मिलाकर ही टोटल कितने सेल होंगे 15 सेल होंगे, यानी कि 13 सेल आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और एम सेल जो है वो विपरीत क्रम में जुड़ गया है, तो बाह्य विद्युत वाहक बल में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए अब कैसे बनाएंगे ना, तो बहुत से बच्चे इसको क्या करते जल्दी जल्दी बनाते हैं बेटा है ना, ये तो सबसे पहले उसमें क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट है ना, क्या निकालेंगे बेटा इक्विवेलेंट, तो उसके दिमाग में जाता है एन सेल है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो क्या कर देंगे एक्स एन इंटू ई, क्योंकि आपको पता है बेटा सभी सेल का विद्युत वाहक बल समान है तो जुड़ते जाते हैं, एन है तो एन ई हो जाएगा, और कितने सेल उसने विपरीत क्रम में जोड़ा है बेटा एम से, तो विपरीत क्रम में कितने जोड़ा एम से, तो ये हो जाएगा एम इंटू ई, या ठीक है। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा बेटा, आर इक्विवेलेंट तो सभी सेल कितने हैं बेटा एन है और सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना है एन आर, तो ये लिख देगा एन आर,
ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। अब हमको निकालना बेटा बाह्य प्रतिरोध में धारा, तो बाह्य प्रतिरोध में धारा को क्या मान लिया आई, क्या लिखते हैं बेटा बताओ, कुल विद्युत वाहक बल, बोलो बोलो, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध है ना। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा बेटा, एन इंटू ई माइनस एम इंटू ई, कुल विद्युत वाहक बल कितना आर प्लस एन आर, ठीक है बेटा। अगर आपने इतना सोचा है तो बेटा ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे क्या गलती हो गई, ये हमसे गलती हुआ, कुल विद्युत वाहक बल। देखिए आपको क्या बोला गया बेटा, एन सेल है तो एन इक्विवेलेंट कितना होता, सही बात है, अगर सबको सही सही जोड़े रहते तो एन ही होता, लेकिन आपने क्या किया बेटा, उनमें से कुछ सेल जो है एम, उसको हमने क्या कर दिया, विपरीत क्रम में जोड़ दिया। तो जैसे हम विपरीत क्रम में जोड़ेंगे तो एम इंटू ई माइनस हो जाएगा बेटा उसमें से, क्योंकि आपने देखा था जब विपरीत क्रम में जोड़ते हैं तो ई इक्विवेलेंट कितना लिखते हैं, ई वन माइनस ई टू, ई वन माइनस ई टू, ये देखो माइनस लिखते हैं कि नहीं लिखते, जो विपरीत क्रम रहता है माइनस हो जाता है, ठीक है, ये आपको इसलिए माइनस तो होगा, लेकिन वास्तव में एन में से ही आपने एम सेल को गलत जोड़ा था बेटा, तो ये तो सो घट गया, लेकिन रियलिटी में ये जो आया है अभी जो आंसर एन ई माइनस एम ई, ये वास्तव में क्या है बेटा, ये वो आया है जो सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, अरे यार, अरे बेटा जो श्रेणी क्रम में जुड़े वो आया है और जो विपरीत क्रम में जुड़े हैं वो अब माइनस होगा एम ई टू ई, नहीं समझे बेटा। देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास 15 सेल है टोटल, एन का वैल्यू कितना दिया बेटा 15, है ना, ये आपको ध्यान दीजिएगा, है ना, और सभी का विद्युत वाहक बल कितना माने थी, और आपने इनमें से गलती से कितना सेल जोड़ा है बेटा रॉन्ग, तीन, है ना। तो देखो, तो तीन अगर आपने विपरीत क्रम में जोड़ दिया है बेटा तो वास्तव में कुल इक्विवेलेंट कितना होगा, एन इंटू ई तो नहीं हो सकते, यानी कि 15 ही नहीं होगा, 15 ही नहीं होगा, है ना। वास्तव में अब कितना हो गया, अब इस 15 में से तीन तो आपने विपरीत क्रम में जोड़ा है, यानी अब बचे यहां पर कितना 12, तो 12 ही होगा ना बेटा, अरे कितना होगा 12 ही, और आपने तीन विपरीत क्रम में जोड़ा बेटा तो माइनस तीन ई होगा ना बेटा, ऐसा, ठीक है। इसी को तो हम यहां लिखे बेटा, देखो यहां क्या लिखे, अगर आप इसको एन माइनस एम कर दे और ई को बाहर निकाल ले तो ये वर्ड आएगा बेटा 12, देखो एन का मान कितना हो 15, तीन आपने विपरीत जोड़ा है तो वास्तव में जुड़ा कितना है बेटा 12 ही श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और तीन चूंकि विपरीत क्रम में जुड़ा है इसलिए उसको घटाना पड़ेगा, यानी कि एम इंटू ई, ये आपको ध्यान में आना चाहिए, यही आदमी गलती कर जाता है बेटा, ठीक है। यानी इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एन माइनस टू एम इंटू ई इक्विवेलेंट, ये ई इक्विवेलेंट हो बेटा, है ना, तुल्य विद्युत वाहक बल इतना हो, क्लियर। इसीलिए मैं इसको कैसे याद करवाता हूं बेटे बच्चे को, ऐसे क्या होता है, जो विपरीत क्रम में सेल जुड़ा रहता है, जो सेल विपरीत क्रम में जुड़ा रहता है वो ये बोलता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ ले डूबेंगे। जो सेल विपरीत क्रम में जुड़ा रहता है वो सेल क्या बोलता है, वो बोलता है हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ ले डूबेंगे। देखो अपना तो खुद अपना उतना सेल का ही खत्म कर ही रहा है और साथ में इसका भी उतना ही सेल को खत्म कर रहा है, ये आपको ध्यान रखें, यहां सब जज करिए, क्लियर, समझ गए, आपको ध्यान। तो कुल इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल का मान एन माइनस टू एम इंटू ई होगा, ना कि ये, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ये देखो एन माइनस टू एम इंटू ई आएगा, है ना। लेकिन सभी सेल कैसे जुड़े हैं बेटा, श्रेणी क्रम में, आंतरिक परतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। तो आंसर आ जाएगा बेटा आई बराबर एन माइनस टू एम इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर, ये आंसर आएगा बेटा, क्लियर।